बनाने का तरीका जो देसी जड़ी बूटियों और आजमूदा अर्क पर मुश्तमिल है, जो आपको यकीनी गोरी रंगत देगा और अहम बात ये कि ये गोरी रंगत पायदार होगी। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, पीछे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और फेस वॉश में जो अज्जा यूज होंगे उनमें शामिल है दालचीनी का पाउडर 2 चाय के चम्मच, संदल पाउडर 2 चाय के चम्मच, सूखे नीम के पत्तों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और रोगनी जैतून 1 चाय का चम्मच। फेस वॉश बनाने का तरीका ये है कि इन तमाम चीजों को अच्छी तरह पीस कर मिक्स कर लें और इस मिक्सचर से आप अपना चेहरा धोएं, साथ ही कोई अच्छा लोशन भी यूज करें। बरसगीर के खानों में दालचीनी बाकसरत इस्तेमाल की जाती है। इसके जितने जल्दी फवायद हैं उतने ही सेहत के भी फवायद हैं। जिल में मौजूद मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरिया को खत्म करके स्किन को सेहतमंद बनाता है। संदल पाउडर जिल को शगुफ्तगी और तरोताजगी फराहम करने वाली अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। संदल पाउडर स्किन को तरोताजगी, खूबसूरती और सुकून फराहम करता है। इसके अलावा नीम का पौधा अपने अंदर बेशुमार बीमारियों का इलाज समोए हुए है, इसलिए इसको एक मौजाती दरख्त भी कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात रखता है और साथ ही स्किन की एक्नी और पिंपल्स वगैरह का भी इलाज करता है। जैतून के तेल में विटामिन ई और ए बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं जो जिल को नरम और मुलायम रखते हैं। ये कुदरती मॉइस्चराइजर भी है। ये जिल की खूबसूरती में इजाफा करता है। तकरीबन सभी ब्यूटी प्रोडक्ट में ये मुफीद पल जरूर इस्तेमाल होता है। इस फेस वॉश को इस्तेमाल करके आपका चेहरा निखर जाएगा, बाजारी महंगे फेस वॉश और सोप से भी जान छूट जाएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच